हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और शिक्षा नगरी सीकर राजस्थान से। मैं हरसाय चोपड़ा आपका हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आईपीयू यानी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस कोर्सेज के अलावा बाकी सारे कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन 1 मार्च 2020 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें MBBS, BDS, BMS, BHMS एडमिशन नीट 2020 के स्कोर पर होगा और बाकी कोर्सेज के लिए IPU अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। जो कैंडिडेट IPU के MBBS, BDS, BHMS, BMS कोर्स के लिए इलिजिबल हैं और इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें 31 मार्च 2020 से पहले IPU.ac.in की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद नीट का रिजल्ट आ जाने के बाद नीट स्कोर इसकी वेबसाइट पर अपडेट करना होगा और जून में IPU द्वारा काउंसलिंग करवाकर इन कोर्सेज में एडमिशन दिया जाएगा। इस वीडियो के जरिए ये जानेंगे कि इसकी एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, कौन कौन से कैंडिडेट IPU के रजिस्ट्रेशन के लिए इलिजिबल हैं, कौन कौन सी मेडिकल कॉलेज में कितनी मेडिकल सीट्स हैं और इन कॉलेज की ईयरली फीस क्या है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, क्योंकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें IPU.ac.in की वेबसाइट से इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लेना है। अब हम यह जानेंगे कि IPU के अंडर आने वाले मेडिकल कॉलेज में MBBS, BDS, BMS, BHMS कोर्स के लिए इलिजिबल कैंडिडेट कौन हैं, जिनको अभी 1 मार्च से 31 मार्च 2020 तक रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। तो दोस्तों, IPU के रजिस्ट्रेशन के लिए जिन कैंडिडेट ने 11th और 12th जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है एडमिशन के लिए, वो अगर NCT ऑफ दिल्ली में लोकेटेड किसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन से कर रखी है या फिर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से कर रखी है, तो वो कैंडिडेट इस रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं। मतलब यह है कि जो दिल्ली के 85% स्टेट कोटा की एलिजिबिलिटी रखते हैं वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और उनको अभी रजिस्ट्रेशन करना है। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि दिल्ली में MBBS के लिए टोटल 8 मेडिकल कॉलेज और एक हमदर्द डिम्ड यूनिवर्सिटी है। इन 8 मेडिकल कॉलेज में 3 मेडिकल कॉलेज DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, वो है मौलाना आज़ाद, लेडी हार्डिंगे और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिनकी सभी सीट के लिए एडमिशन MCC द्वारा करवाया जाता है और इनके रजिस्ट्रेशन नीट का रिजल्ट आ जाने के बाद जून में स्टार्ट होते हैं। इसके बाद में जो 5 मेडिकल कॉलेज हैं वो IPU के अंडर आते हैं, वो हैं VMMC, RML, इसके बाद में डॉक्टर बाबा साहेब और NDMC, इसके अलावा SCMS यानी आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो ये 5 जो कॉलेज हैं वो IPU के अंडर आते हैं। अब इनमें एडमिशन के लिए जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो एडमिशन इन 5 कॉलेज में जो IPU के अंडर आते हैं इनमें एडमिशन कैसे होता है? तो दोस्तों, जो VMMC है, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, इसकी 100% जो सीट हैं उसकी काउंसलिंग MCC द्वारा करवाई जाती है। इसमें 2 प्रकार का कोटा होता है, 15% और 85%। तो ये दोनों प्रकार का कोटा की काउंसलिंग MCC द्वारा करवाई जाती है। तो आप VMMC में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अभी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर RML हॉस्पिटल, इसकी भी काउंसलिंग MCC द्वारा 100% सीट के लिए करवाई जाती है। इसमें टोटल 100 सीट्स हैं और इसमें जो रजिस्ट्रेशन करना होगा वो जून में करना होगा। अभी आपको इस इंस्टीट्यूशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में जो नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज है, NDMC कॉलेज है, इसकी 85% सीटों की काउंसलिंग IPU द्वारा करवाई जाती है और इसके लिए आपको अभी रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आप दिल्ली के 85% स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हैं तो।
इसके बाद में आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज ACMS की 100% सीट, यानी इसमें टोटल 100 सीट हैं और सभी सीट्स के लिए IPU द्वारा काउंसलिंग करवाई जाती है, IPU द्वारा ही इसमें एडमिशन लिया जाता है। तो इसमें आर्मी पर्सन्स जो सर्विस कर रहे हैं या रिटायर्ड हैं उसके वार्ड्स हैं वो एलिजिबल हैं, इसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो इसकी 100% सीट के लिए काउंसलिंग IPU द्वारा करवाई जाती है, तो जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं उनको अभी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इसके अलावा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसकी भी 85% सीट्स के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं दिल्ली स्टेट कोटा 85% के लिए, उनको भी रजिस्ट्रेशन अभी करना है। इनकी 85% सीट्स के लिए काउंसलिंग IPU द्वारा करवाई जाती है। तो इस प्रकार से ये BDS की भी काउंसलिंग जो करवाई जाती है 100% सीट के लिए, इसमें 50% ESIC डेंटल कॉलेज में सीट हैं, 50 सीट हैं, और इसके 100% सीट के लिए MCC द्वारा ही काउंसलिंग करवाई जाती है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें जो आपको एडमिशन लेना है, अभी जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो अगर आप 85% स्टेट कोटा के लिए अंडर आते हैं तो इसमें जो कॉलेज हैं, तीन कॉलेज हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना है। वो कॉलेज हैं, एक तो बाबा साहेब हो गया, दूसरा NDMC हो गया और तीसरा ACMS हो गया। इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। BMS और BHMS एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन आपको अभी करना है। इनकी 100% सीट्स के लिए CCIM द्वारा काउंसलिंग करवाई जाती है। तो जो अगर आप 85% स्टेट कोटा के अंडर आते हैं तो और BMS BHMS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें अभी रजिस्ट्रेशन कर दें आप। तो लास्ट में रिजल्ट यही निकलता है कि आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप दिल्ली स्टेट की 85% स्टेट कोटा की एलिजिबिलिटी रखते हैं और तीन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, डॉक्टर बाबा साहिब, NDMC और ACMS में, तो आपको रजिस्ट्रेशन अभी 31 मार्च 2020 से पहले कर देना है। IPU में इन कोर्सेज के लिए जो एडमिशन होगा वो नीट बेस पर ही होगा, इसलिए जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो नीट का ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें एज 17 ईयर्स होनी चाहिए 31 दिसंबर 2020 को। इसके बाद में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो सारा नीट का ही क्राइटेरिया है इसमें। इसके बाद में जो फॉरम की एप्लीकेशन फीस है वो 1200 है। जो इम्पोर्टेंट डेट है वो 1 मार्च 2020 को ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 31 मार्च 2020 को ये रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। इसमें आगे ये काउंसलिंग का शेड्यूल भी दिया गया है, MBBS के लिए भी है इसमें और BMS BHMS के लिए भी इसमें काउंसलिंग शेड्यूल दिया गया है। इसके बाद में इसकी अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो इन तीन कॉलेजों में जिसमें IPU के थ्रू एडमिशन होगा डॉक्टर BS से, इसमें टोटल 100 सीट है, NDMC में 50 सीट्स हैं और आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में 100 सीट्स हैं। तो इस प्रकार से ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। इसके बाद में BMS का भी सीट डिस्ट्रीब्यूशन इसमें दे रखा है और BHMS का भी इसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। अब हम बात करें इसकी फीस की, तो जो दो कॉलेज हैं डॉक्टर बाबा साहेब और इसके बाद में जो दूसरी कॉलेज है NDMC, वो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनकी 85% सीट के लिए गवर्नमेंट फीस है वो बिल्कुल कम है। इसके बाद में जो तीसरी कॉलेज है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, इसमें आर्मी के वार्ड्स एलिजिबल हैं, यह एक प्राइवेट कॉलेज है और इसकी फीस 4,32,000 सालाना है। तो दोस्तों वीडियो के अंत में यही कहना चाहूंगा कि जो कैंडिडेट दिल्ली की डोमिसाइल रखते हैं, यानी कि जिनके पास दिल्ली का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या फिर जिन्होंने दिल्ली से 11वीं 12वीं पास कर रखी है, उन कैंडिडेट को IPU में अभी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ACMS की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का भी अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा जो बाकी दो कॉलेज और हैं उनमें भी पैरामिलिट्री फोर्सेज का कोटा होता है, उसका भी एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप कॉमेंट्स बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, क्योंकि हम हर एक कॉमेंट्स का रिप्लाई करते हैं।
तो दोस्तों ये जानकारी थी आईपीयू के रजिस्ट्रेशन के बारे में, कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या इसकी फीस है, सीट्स कितनी हैं, कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक मैं हरसाय चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद।